तो नमस्कार, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलिए आज हम अपने साथियों के साथ चित्रकूट धाम में माँ सती अनसुईया का दर्शन कराते हैं और वहाँ की सौंदर्यता का अवलोकन कराते हैं। चलिए अब निकलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम माता सती अनसुईया धाम की ओर बढ़ चले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम इस समय घनघोर जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं। यह रास्ता केवल बीच में रास्ता है, दोनों तरफ सिर्फ घनघोर जंगल हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं और तमाम तीर्थयात्री जाते हुए मुझे रास्ते में जाते हुए तमाम हनुमान जी की सेना दिख गई। मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा, आप भी देखिए, लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ बंदर होंगे। शायद क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत ढेर सारे बंदर हैं यहाँ। मुझे रास्ते में जाते हुए मुझे एक नदी मिल गई। मुझे क्लियर पता तो नहीं है कौन सी नदी है, लेकिन काफ़ी गहरी नदी है, शायद मंदाकिनी है कि गुप्त गोदावरी है, पता नहीं। यहाँ लोग स्नान भी कर रहे हैं, आप भी देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, गाड़ियों का रेला पूरा खड़ा हुआ है। आप देखिए कितनी ढेर सारी गाड़ियां आई हुई हैं, तो माँ के दर्शन के लिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि माँ की दुआ कभी खाली खाली नहीं जाती, यह बात ब्रह्मा से भी टाली नहीं जाती। एक माँ चार बेटों को पाल लेती है, चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। यहाँ तीर्थयात्रियों का रेला है, यही तो मेला है। क्या विहंगम दृश्य है, लगाइए हनुमान जी का दर्शन करिए, अपनी फोटो साथ में। आप भी देखिए यह मंदाकिनी नदी का विहंगम दृश्य, जो बहुत ही सुंदर और अलौकिक लग रहा है। पानी नीला नीला और अगल बगल घनघोर जंगल। इसी मंदाकिनी नदी के घाट पर स्फटिक शिला और जानकी कुंड और राम घाट है। पहले अगरबत्ती ले ली ना। हाँ, दो माता हैं, एक तो मंदाकिनी माता और दूसरी सती अनसुईया माता। तो माँ के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माँ, तेरे चरणों में यह शीश समर्पित है दिल से। माँ तेरे चरणों में यह शीश समर्पित है, अभी तक बची है जो वो सांस समर्पित है, वह सांस समर्पित है। आप भी देखिए इस विहंगम दृश्य को एक नज़र में। नीचे मंदिर, माँ का मंदिर, ऊपर पहाड़, पहाड़ से निकली हुई माँ मंदाकिनी का यह अविरल रूप, अगल बगल जंगल झाड़ियाँ, बड़े बड़े पहाड़ पत्थर। मित्रों एक बार सब हाय बोलिए। हाय।
जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, सब हमारे साथी जो है आपको हाय बोल रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं साथी। बोलो भाई, जैसा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस समय मैं माता अनसुईया के मुख्य द्वार पे पहुँच चुका हूँ। आप भी देखिए विहंगम दृश्य, कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। यदि आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो यह मान के चलिए कि आप भी माता सती अनसुईया का दर्शन कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद हो सके अंदर मोबाइल न ले जा सकें। रेला है भाई, रेला है, यह कैसा रेला है, आज बहुत बड़ा मेला है। यह मंदिर के अंदर का दृश्य है जो आप देख रहे हैं, दिख तो नहीं रहा होगा क्योंकि तीर्थयात्री बहुत ज़्यादा है। अंदर की बनी कलाकृतियाँ यह जिसने भी बनाया है बहुत खूब बनाया है, आप भी देखिए। मंदिर के अंदर का ही यह विहंगम दृश्य, आप भी देखिए। यहाँ से मंदाकिनी नदी, हनुमान जी के बंदर आप देखिए, ढेरुआ अभी तक आप लोगों ने जो भी देखा वह बनाया हुआ था, लेकिन हम आ गए हैं सती माता सती अनसुईया के प्राचीन मंदिर, जो यहाँ का दृश्य आप लोगों को दिखा रहे हैं। माता अनसुईया के पुत्र ब्रह्मा विष्णु और महेश, आप भी देखिए एक नज़र में। माता अनसुईया के प्राचीन मंदिर, दिख तो नहीं रहा होगा आपको, लेकिन प्राचीन मंदिर है। माता अनसुईया की यही प्राचीन मंदिर है, आप भी देखिए कितना सुंदर अलौकिक दृश्य, बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। सब देखकर दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है। प्रकृति का सौंदर्य, माँ की कृपा, माँ मंदाकिनी, नीचे ऊंचा पहाड़, घनघोर जंगल, माँ सती अनसुईया का आश्रम बहुत ही अलौकिक और अद्भुत है। सभी सुहाग गिन स्त्रियों का सुहाग बना रहे, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब भी सती अनसुईया आएँ तो यहाँ से सिंदूर लेना न भूलें, क्योंकि यहाँ का सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है न भैया। जी जी, माता अनसुईया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने का बालक बनाए, तो उनकी पत्नियाँ जो हैं माता अनसुईया के पास आई अपने सुहाग की भिक्षा मांगी, तब से सुहाग यहाँ चढ़ाने की मर्यादा कायम की गई। अभी आपने सुना जैसा, बहुत सुंदर भैया, मुझे भी दे दीजिए। आप भी देखिए बाजार का है विहंगम दृश्य। अभी मैं वापस हो चुका हूँ दर्शन करके। आप भी देखिए मालाओं का बाजार। मैं अपनी बच्चियों के लिए सुंदर चूड़ियाँ ले लेता हूँ यहाँ से। आप भी देखिए ये ले लेता हूँ। ये कितने का है?
₹10। आप लोग जो लिए हैं इससे क्या करते हैं? मंत्र चलाते हैं, मौन डांस करते हैं इसको लेकर ना। करिए अच्छा, एक बार दिखा दीजिए। करिए बस, छोटा सा, बहुत छोटा सा। अच्छा, जड़ी बूटी का तेल है। हाँ, इसमें इमली का बीज है, रतन जोत है, सिंघिया है, बालम कीरा है। अच्छा। और सफेद घुमची, काली घुमची है। कैसे देते हैं? सीसी देते हैं, 20 रुपए। साथियों, यह वीडियो अब यहीं से समाप्त होता है और आगे का वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम लोग निकल रहे हैं गुप्त गोदावरी के लिए। जय माता दी।